ये खबर पिहोवा से मिल रही है। पिहोवा में पंजाब केसरी का विरोध कर जलाई प्रतियां। पिहोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाई पंजाब केसरी अखबार की प्रतियां। बीजेपी के 5 सांसदों का कांग्रेस में जाने की अटकलों से संबंधी खबर प्रकाशित करने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अखबार की प्रतियां जलाकर विरोध किया है। एक बार फिर आपको बता दें, पिहोवा में पंजाब केसरी का विरोध कर प्रतियां जलाई गई हैं। साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब केसरी अखबार की प्रतियां जलाई। बीजेपी के 5 सांसदों का कांग्रेस में जाने की अटकलों से संबंधी खबर प्रकाशित करने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अखबार की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज किया है। आज हमने जो ये प्रतियां जलाई हैं, इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, क्योंकि कल 18 तारीख को जींद केसरी के अंदर एक बीजेपी के सांसद कांग्रेस में जाने की एक झूठी खबरें लगाई गई हैं, जिससे प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत भारी रोष है। पंजाब केसरी अपना पेपर चलाने के लिए ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रूप में काम करते हैं, ये अपने नाम को चमकाने के लिए झूठी खबरें छापते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। बीजेपी का कोई भी सांसद कांग्रेस में नहीं जा रहा है और ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत खबरें लगा देते हैं, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है और इसका हम हर जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे भी विरोध करेंगे और पंजाब केसरी का भी अखबार का विरोध करेंगे, जिससे कि इनको या तो ये माफ़ी मांगे अपने जो ये झूठी खबर इन्होंने सौंपी है, या इनके खिलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई की प्रशासन से मांग करेंगे कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इंदर मोरथली पूर्व जिला उपाध्यक्ष बीजेपी, ये एक पत्रकार है जींद का संदीप सिंह, उसने भाजपा के जो के लिए बोला है कि ये कांग्रेस में जा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कांग्रेस में नहीं जा रहा, ये झूठी खबर छापी है, इसलिए हमने ये अखबार जलाई। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।